नमस्कार, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? आज का हमारा वीडियो स्पेशली मदर्स के लिए है और इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज, टूल्स, सलाहें माताओं के लिए हैं। मदर्स इतना सारा काम करती हैं, इतना ज़्यादा अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो उनको अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए हेल्प करेंगी, इसी के बारे में आज ये वीडियो है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो को बनाने का आइडिया मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग काउंसलिंग सेशन से आया, जब एक मदर ने मुझसे कहा कि जी, मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या मैं वो सब कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए, क्या मैं अपने बच्चे का पूरी तरह से ध्यान रख पा रही हूँ, क्या जो मैं कर रही हूँ इज दैट गुड इनफ। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इज दैट गुड इनफ। हमारे समाज में, हमारे दायरे में, हम आसपास जिन लोगों के साथ रहते हैं, पता नहीं क्यों एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और रिडिक्युलस सोचने का तरीका है कि जी, मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो सिर्फ हाउसवाइफ हूँ, मैं तो सिर्फ मदर हूँ। मुझे लगता है दुनिया के सबसे डिफिकल्ट जॉब्स और थैंकलेस जॉब्स में से जॉब है एक मदर बनना और एक मदर होना। मदर का जॉब मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे मुश्किल जॉब है और सबसे इम्पॉर्टेंट। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये जॉब सबसे मुश्किल और सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब है, क्योंकि आप एक नई जनरेशन को बड़ा करते हैं। कितना खूबसूरत है ये जॉब, लेकिन हमारा समाज इसको इम्पोर्टेंस देता ही नहीं है, विच इज सो सैड। बहुत ज्यादा ही दुख की बात है कि हम उस चीज को वैल्यू नहीं करते कि मैं एक माँ हूं। हम प्राउडली उस स्पेस में कभी नहीं आते कि मैं एक माँ हूं। तो हमें अगर उस स्पेस में लाना है अपने आप को, अपने आप पे वो गर्व महसूस करना है, अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना है कि मैं एक माँ हूं, मैं बच्चों का ध्यान रखती हूँ, मैं नेक्स्ट जनरेशन को बड़ा कर रही हूँ, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला टिप, अपने आप को दूसरी मदर से कंपेयर करना छोड़ दीजिए। दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होंगे जो आपसे बेहतर हैं और ऐसे लोग होंगे जो आपके जितने अच्छे नहीं होंगे। ये दुनिया का दस्तूर है, इट इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। ये क्या जरूरत है कि हम बात बात में अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करें? अब सवाल ये उठता है कि हम अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर क्यों करते हैं? क्योंकि हो सकता है बचपन में हमें हमेशा दूसरे बच्चों से कंपेयर किया गया हो, तो हमारे माइंड में ये बात बैठ गई है कि हमें दूसरे से अपने आप को कंपेयर करना चाहिए और ये बताना चाहिए, अरे वो तो मेरे से अच्छे ही हैं, मैं तो कुछ काम ठीक से नहीं करती, उसका टिफिन देखो, उसके बच्चे हमेशा इतने अच्छे कहाँ तैयार होते हैं, उसके बच्चे पढ़ने में इतने अच्छे हैं। और दूसरा, हमारा समाज कॉन्स्टेंटली कंपेयर करता है। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने मन में ये बात ठान लीजिए और मानिए कि मैं बहुत ही कोशिश करके अपने बच्चों का, अपने घर का ध्यान रखती हूँ, मुझे किसी से अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स आपको अपने काम में बेहतर होने की ज़रूरत है, अगर हम लाइफ में लर्निंग तो हमेशा बनी रहनी चाहिए, लेकिन कंपेरिजन नहीं आना चाहिए। द मिनट यू स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, आप एक बहुत हैप्पी स्पेस में चले जाते हैं, जब आप अपने आप को कंपेयर करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप अपने पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। सेकेंड बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, जिसको हम आगे जाके पूरी सीरीज करेंगे इसके ऊपर, जिसका नाम है सेल्फ केयर, अपना ध्यान रखना। ये मुझे कभी समझ में नहीं आता कि लोग अपना ध्यान क्यों नहीं रखते, अपने पे टाइम क्यों नहीं स्पेंड करते। मदर सुबह से लेकर शाम तक घर का काम करती हैं, बच्चे को देखती हैं, हस्बैंड को देखती हैं, अपना कब ध्यान रखती हैं, अपने लिए कब उठ के चाय का कप पीती हैं और बैठ जाती हैं और आराम से शांति से मेडिटेट करती हैं, अपना पेडिक्योर कब करती हैं, अपने लिए कब बैठ के सोचती हैं कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है और मैं कितना टाइम उस चीज़ को दे रही हूँ। हमारे में एक सर्टन लेवल ऑफ एनर्जी है, अगर हम अपनी सारी एनर्जी दूसरों पे लगा देंगे तो हम अपना ध्यान कब रखेंगे? आप जरूर
एक लिस्ट बनाइए उन चीज़ों की जो आपको करनी अच्छी लगती हैं, जो आपको खुशी देती हैं, जो आपको लगता है कि अरे आज मैंने अपने लिए ये किया। अपने आप को प्रायोरिटी बनाएं। मैं हमेशा एक बहुत अच्छा एग्जांपल अपनी वर्कशॉप्स में देती हूँ कि अगर आप मेरे घर आते हैं और मेरे पास सिर्फ 2 गुलाब जामुन हैं और आप आ गए तो मैं फिर सोचती हूँ अरे मैं खिलाऊँ नहीं खिलाऊँ, नहीं यार मैं खुद ही खा लेती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास 10 गुलाब जामुन हैं तो मैं आपको बड़े प्रेम से वो 2 गुलाब जामुन दूंगी क्योंकि मैं अंदर से तृप्त हूँ, मैं अंदर से खुश हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है। अगर आप अंदर से खुश हैं, अगर आप अंदर से भरे हुए हैं तो आप अपने आसपास के लोगों का बहुत ध्यान रखेंगे। मदर्स को स्पेशली ये हैबिट इनकल्केट करनी चाहिए। आप तो जननी हैं और जननी को अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी। थर्ड टिप बहुत जरूरी। आजकल जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं वहाँ मटीरियलिज्म हर चीज़ के बारे में है। हमें ये लगता है कि हमारे बच्चे को ये टॉय होना चाहिए, हमारे बच्चे के पास ये पेंसिल होनी चाहिए, हमारे बच्चे के पास ये ड्रेस होनी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि हम कंज्यूमरिज्म के पीछे जब जाते हैं, जब हम भागते हैं उन चीज़ों के पीछे, मेरे पास ये मोबाइल होना चाहिए, मेरे पास ये साड़ी होनी चाहिए, मेरे पास मेरे घर में ये डिनर सेट होना चाहिए, हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमें कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। अगर हम उन चीज़ों के बारे में फोकस करें जो हमें हैप्पीनेस देती है या जॉय देती है तो हमारी हैप्पीनेस मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर डिपेंड कम करेगी। ध्यान से सोचें, अपने बचपन के बारे में सोचें, आपको कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा याद है अपने पेरेंट्स के बारे में। आपको क्या वो ड्रेस याद है जो उन्होंने आपको दी थी जब आप 5th स्टैंडर्ड में गए थे, या वो घड़ी दी थी, या आपको वो दिन याद है जब आप लोगों ने छत पर बैठ के तारे देखे थे और बैठ के गप्पे मारे थे। कौन सी बात ज़्यादा याद है, वो मोमेंट्स कौन सी हैं जो आपको डिफाइन करती हैं आपका चाइल्डहुड। क्या वो चीज़ें पैसे से रिलेटेड थी? आई एम श्योर वो पैसे से रिलेटेड हो ही नहीं सकती। हमारी ज़िंदगी को डिफाइन करने की चीज़ें हमारी रिलेशनशिप्स हैं, हमारी मोमेंट्स हैं, हमारी वो कुछ हैप्पीनेस जॉय जो हमने एज अ फैमिली क्रिएट किया वो हमें याद रहती है। हमें वो टीचर भी वही याद रहती है जिसने हमसे हमेशा प्यार से बात की या जिसने हमें क्लास में इंकरेज किया। ऐसा नहीं था कि वो टीचर ने हमें 100 रुपये इनाम में दे दिए किसी चीज़ के, नहीं। तो लेस इज मोर, इस पर फोकस करें। कंज्यूमरिज्म के पीछे भागने की कोशिश मत करें। उस नई मोबाइल या नया टेलीविजन या नई साड़ी या अपने बच्चे के लिए नया गेम या एक नया टॉय, उस पर फोकस मत करें। जब आप उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा जॉय आएगा। एज अ मदर आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी और जब आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी आपके आसपास वाले लोगों को ज़्यादा खुशी मिलेगी। चौथा टिप, मुझे लगता है बहुत सारी मदर्स हमेशा उनको लगता है कि मेरा काम है ये करना, मुझे ये करना चाहिए, तो सुबह से लेकर काम करते रहते हैं, कोई ब्रेक नहीं लेते और किसी को ये नहीं बताते कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे ये नहीं हो रहा है। वो मानते हैं कि फेलियर है ये एक्सेप्ट करना कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है कि कोई मेरा हाथ बढ़ाए, मेरे साथ हेल्प करे। जब हम कहते नहीं हैं, जब हम सपोर्ट मांगते नहीं हैं, किसी को सपना नहीं आता कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। बच्चे को सपना नहीं आएगा कि मुझे मम्मी का हेल्प करना चाहिए। हस्बैंड को यह सपना नहीं आएगा कि मुझे थोड़ा घर में हाथ बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है कि हम कॉन्स्टेंटली थक जाते हैं, हमारी कैपेसिटी काम करने की कम होती जाती है क्योंकि हमने सारा बोझ अपने कंधों पे ले लिया है। हम ऐसा क्यों करते हैं? हमें क्या ये करने की ज़रूरत है? क्या हम एक वो क्या कहते हैं ना झंडा ऊंचा रहे हमारा टाइप कोई थिएटर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमें घर संभालना है और उस घर को संभालने के लिए हर एक को कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। आप बहुत 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 मेहनत करते हो, बहुत ज़रूरी है कि आप बाकी लोगों से हेल्प मांगें, आप ड्यूटीज असाइन करें, आप हर एक को बोलें आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। हाउस वर्क एक अंधे कुएं की तरह है जिस काम खत्म ही नहीं होता घर का, लेकिन जब आपको सपोर्ट मिलती है आप कम थकेंगे, आप अपना ध्यान रख पाएंगे, आपको जॉय महसूस होगा उस चीज़ करने में, आपको खुशी लगेगी,
आप अपने बच्चों के साथ ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, आप अपने हस्बैंड के साथ ज्यादा स्पेंड करेंगे. तो ऑल मदर्स आउट देयर, स्टॉप स्टॉप बीइंग अ स्लेव. इतना काम करना कम करें, हेल्प मांगे, सपोर्ट लें, स्केड्यूल्स बनाएं, प्लान्स बनाएं, ताकि घर का हर इंसान घर के काम में सपोर्ट दे और हेल्प करे. लास्ट टिप बट नॉट द लीस्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप. कई बार मैंने देखा है कि मदर्स कॉन्स्टेंटली, क्योंकि वो इतना थक जाती हैं, एक गिल्ट ट्रिप पे चली जाती है. मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, किसी को कदर ही नहीं है. पहली बात तो कोई दूसरा आपके काम की कदर तब तक नहीं जानेगा जब तक आप अपने काम को कदर देना ना जाने. Until unless you respect the work that you do, आप एक्सपेक्ट मत करिए कि कोई उस चीज की कदर करेगा. दूसरी बात, ये गिल्ट फीलिंग पे जाना और किसी और को उसकी गिल्ट देना सबसे ज्यादा आपको इफेक्ट करता है. आपको डिप्रेशन होता है, आप अपसेट होते हैं, आपको गुस्सा आता है. हम ये नेगेटिव एनर्जी क्यों क्रिएट करते हैं? अपनी मूड्स को फोकस पे लाएं. आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, आपका मूड कैसा है, उस पे फोकस करें. ऐसा क्या करते हैं आप जिससे आपका मूड खराब हो जाता है? अपने मूड्स को कंट्रोल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए. आप जब आपके बच्चे घर आते हैं या आपके हस्बैंड घर आते हैं और आप थके हारे बैठे हुए हैं, आपको नेगेटिविटी उनको भी बांटते हैं. वो नेगेटिविटी पूरे घर में आती है. उस नेगेटिविटी का असर आपके बच्चों पे, आपके हस्बैंड पे और सबसे ज्यादा आप पे होता है. अपना ध्यान रखना एज अ मदर, एज अ हाउसवाइफ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एज एन इंडिविजुअल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आज आप ऐसा क्या करेंगी जिससे आपको खुशी मिलेगी? आज आप ऐसे किस तरह से बात करेंगी, या आप ऐसा क्या बनाएंगी, या ऐसा कुछ क्या देखेंगी जिससे आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी? इन चीजों पे फोकस करें. मदर्स अपना ध्यान रखना सीखिए. आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. आप अपने लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, अपनी फैमिलीज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और अपने बच्चों के लिए तो आप बिल्कुल हीरो हैं. सो उस चीज़ पे फोकस करें. प्लीज़ प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. आज के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं अगली बार. नमस्कार.